पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का करारा जवाब, कश्मीर पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीओके को बताया भारत का हिस्सा। सर्वदलीय बैठक में करीब 8 घंटे तक चली जम्मू कश्मीर पर चर्चा, पीएम ने बातचीत में पीओके के लोगों को भी शामिल करने का दिया जोर। पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। कश्मीर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान पर पीएम का जोरदार हमला, कहा बलूचिस्तान और पीओके को लेकर दुनिया को जवाब दे पड़ोसी मुल्क। कश्मीर पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में सभी दलों ने पाकिस्तान की नीयत पर उठाए सवाल, पीएम बोले सरहद पार का आतंकवाद है अशांति की जड़। श्रीनगर के लाल चौक पर बवाल, समर्थकों के साथ धरने पर बैठे निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को हिरासत में लेने को लेकर हंगामा। जम्मू कश्मीर पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाकर धरने पर बैठे थे इंजीनियर राशिद, 72 घंटे तक सरकार को घेरने की थी योजना। सामने आया कश्मीर में हिजबुल आतंकियों की घुसपैठ का नया वीडियो, नजर आ रहे हैं बुरहान ब्रिगेड के 12 दहशतगर्द। वीडियो में भारी हथियारों और बैग के साथ दिखाई दे रहे हैं आतंकवादी, बुरहान वानी को लेकर नारेबाजी की भी आवाज। कश्मीर में तनाव का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने में जुटे लोग, प्रशासन ने 3 दिनों में हटाया 50 से ज्यादा कब्जा। जम्मू के कैलाश नगर में 2 संदिग्धों की खबर के बाद हड़कंप, सेना और पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान, एक कॉन्वेंट स्कूल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। कश्मीर मुद्दे पर राजनाथ सिंह के लताड़, बैकफुट पर पाकिस्तान, पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली ने कहा कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की याचिका, नवाज शरीफ को यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने का आदेश देने की अपील की। दिल्ली में 2000 सीसी के ऊपर की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होगी पाबंदी, लेकिन देना होगा 1% पर्यावरण सेस। अधिकारियों की जंग पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नरम पर दिल्ली सरकार के सुर, मनीष सिसोदिया ने एलजी से की 2 अफसरों का ट्रांसफर नहीं करने की अपील। सीएम और डिप्टी सीएम के पंजाब और गोवा संभालने की जिम्मेदारी को लेकर सरकार की सफाई, कहा अभी भी पहली प्राथमिकता है दिल्ली। भले ही हमें किसी के सामने गड़गड़ाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे भी, हम इसके लिए गड़गड़ाएंगे भी, हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो ये भी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एलजी साहब से मिला था और मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया था कि खत्म हुआ संसद का मानसून सत्र, संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों सदनों के प्रदर्शन को बताया बेहतर। गोवा पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सूचना प्रसारण मंत्रालय संसद बोर्ड में बदलाव को लेकर तैयार करेगा बिल, शीतकालीन सत्र पेश किया जाएगा नया बिल। आईबी मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंडिपेंडेंस डे का थीम सॉन्ग, तिरंगा यात्रा नाम से लॉन्च हुआ गाना। बलिया में बीजेपी नेता उपेंद्र तिवारी ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 2 घायल, 2 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लगाए थे जानवरों की तस्करी के आरोप। मुंबई के अंधेरी में एक महिला का आधा जला शव मिला, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, पति ने कबूल किया जुर्म, अवैध संबंधों के शक में की हत्या। स्वतंत्रता दिवस से पहले रोशनी से जगमगाया रायसीना हिल्स, पहली बार एलईडी की धुलिया रोशनी में हुई राष्ट्रपति भवन की सजावट। लेह में पहाड़ों के बीच गर्जी सुखोई 30 और मिग 29 ड्रिल में लिया हिस्सा। वडोदरा में वायुसेना ने लगाई लड़ाकू जहाजों की प्रदर्शनी, युवाओं को सेना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की कवायद। हल्द्वानी में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सामने आए डीएम दीपक रावत, स्कूली बच्चों के बीच गाए देशभक्ति के तराने। बैंगलोर एक्सपो में एवन साइकिल ने पेश की अलग अलग वैरायटी की साइकिल, स्टॉल पर साइकिल के रंग बिरंगे डिजाइन देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। बुल
बुलंदशहर गैंग रेप का पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, पिता दायर करेंगे याचिका। होशंगाबाद में भैंसों के तबेले में चल रहा है प्राथमिक स्कूल, बारिश में निकल रहे सांप बिच्छू के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। नागरा के सांसद रवाशंकर कठेरिया के परिवार ने कुत्ते के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई, मंगलवार से लापता है कुत्ता। रायपुर में गायों की मौत पर बोले अजीत जोगी, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। कनकेर जिले में एक महीने में 140 गायों की हुई मौत। मुजफ्फरनगर में अस्पताल में बच्चे की मौत पर गुस्साए परिवार वालों ने की तोड़फोड़, पुलिस की मौजूदगी में हुआ हंगामा। बीकानेर में सात जिंदा बम मिले से हड़कंप, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया। समस्तीपुर में सराफा व्यापारी को लूटने वाले सात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल और चार बाइक के अलावा 26,000 कैश बरामद। बालाजीनगर में दो महीने की बच्ची को मां ने पानी में डुबोकर मार डाला, इलाज कराने के नहीं थे पैसे। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक कार ने स्कूटी को बुरी तरीके से टक्कर मारी, स्कूटी सवार की हालत गंभीर, कार ड्राइवर फरार। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 11 साल की बच्ची की मौके पर ही हो गई मौत, गुस्साई भीड़ ने कार में लगाई आग। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में मॉक ड्रिल, डीएम ऑफिस में हुआ टेस्ट। हापुड़ में महिला से रेप के बाद हत्या से हड़कंप, मॉर्निंग वॉक पर गई थी महिला, खेत में बिना कपड़ों के मिला शव। भोपाल के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने प्राचार्य पर मार्क्स के बदले सेक्स की मांग का लगाया आरोप, महिला आयोग में की शिकायत। किशनगंज पुलिस ने किडनैप हुए दो लोगों को मालदा से आजाद करवाया, शादी के लिए लड़की देखने के बहाने बुलाकर किया था किडनैप। मुंबई में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा हुई चाक चौबंद, पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेटिंग लगाकर ली गाड़ियों की तलाशी। महाराष्ट्र पुलिस की अनोखी पहल, नक्सलियों को बांटी गांधी की किताब, अहिंसा का सिखाया पाठ। गाजियाबाद में 15 साल की लड़की का मिला शव, 9 अगस्त से गायब थी बच्ची। फजिलका में एक छात्रा पर एसिड अटैक, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर, कई दिनों से लड़के कर रहे थे तंग। मेरठ में चलती कार में महिला से गैंग रेप का आरोप, रेप के बाद महिला को कब्रिस्तान में फेंका, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फ्री एंट्री को लेकर क्लब में मारपीट, मारपीट करने वाले 20,000 रुपए छीनकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। छात्रा को पानी की बोतल में धोखे से फिनाइल मिलाकर पिलाया, हालत गंभीर, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई में शराब छोड़ने की सलाह, दोस्त को पड़ी महंगी, दूसरे दोस्त ने चाकू मारकर किया कत्ल। बीजेपी नेता ब्रजपाल पर हमले की साजिश रचने वालों की पुलिस ने की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सहरसा में रंगदारी से परेशान डॉक्टर्स की हड़ताल, आईएमए और आईडीए के बैनर तले उठाई आवाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक की नोक पर 4.5 लाख रुपए की लूट, चार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के खगड़िया में गहरी खाई में गिरी ट्रक, ड्राइवर की मौत। यूपी के आजमगढ़ में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मथुरा में अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एसआईएस से रिश्ते के आरोप में तीन संदिग्ध गिरफ्तार, 22 अगस्त तक एटीएस की हिरासत में भेजा गया। असम के तिनसुकिया में उल्फा आतंकियों ने की फायरिंग, दो की मौत, 6 घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देसी कट्टा दिखाकर लूट, मोबाइल बेचने वाले दुकानदार से 10,000 और 3 मोबाइल ले भागे बदमाश। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पर बैन, जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल का प्रावधान। उत्तराखंड के काशीपुर में बाघ ने किया हमला, वनकर्मी घायल।
उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई मुश्किल, करीब एक हफ्ते से स्कूल में भरा है पानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से जल विद्युत परियोजना पर असर, पाइप फटने की वजह से पावर हाउस में जल भराव। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन, लामबगढ़ के पास फंसे करीब 250 श्रद्धालु, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के बाजपुर में भारी बारिश के बाद कोसी नदी में उफान, कटाव के खतरे ने गांव वालों को किया परेशान। यूपी के बाराबंकी में फिर बढ़ने लगा घाघरा का जलस्तर, 40 से ज्यादा गांवों में अब भी बाढ़ का कहर। राजधानी में झमाझम बारिश के बाद लबालब डूबा एम्स फ्लाईओवर, बीएमडब्ल्यू और जैगुआर जैसी गाड़ियां भी बीच सड़क पानी में बंद हुई। सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने जोधपुर को किया बेहाल, पूरी तरह पानी में डूबी है एक बस्ती, राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के जवान। राजस्थान के पाली में थमी बारिश, लेकिन अब भी कई इलाके जलमग्न, पानी में डूबे मंदिर और घाट, बाढ़ में 100 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। राजस्थान के बीकानेर में सैलाब ने लोगों को किया बेहाल, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए जाम लगाकर घंटों तक किया हंगामा। राजस्थान के बारा के पास पार्वती नदी के किनारे टापू में तब्दील हुए कई गांव, जान जोखिम में डालकर बाइक से नदी पार करते दिखे लोग। आलिया भट्ट ने शेयर किया मस्ती का वीडियो, फ्लाइट में डांस कर रहे हैं भारतीय सितारे। वीडियो में कैटरीना कैफ, परिणीति चोपड़ा, आदित्य राय कपूर कर रहे हैं डांस। उस्ताद अमजद अली खान को नहीं मिला यूके का वीजा, ट्वीट करके जताया दुख। दीपिका पादुकोण ने कहा हॉलीवुड में काम करना आसान नहीं, ट्रिपल एक्स की रिलीज का कर रही है इंतजार। ट्यूबलाइट की शूटिंग के बीच गरीब बच्चों से मिले सलमान खान, लद्दाख में चल रही है फिल्म की शूटिंग। ओलंपिक के साने मिर्जा और बोपन्ना की जोड़ी का जीत का सिलसिला जारी, सेमीफाइनल में लिया प्रवेश। मिक्स डबल्स में एंडी मरे और वॉटसन की जोड़ी को दी मात, 6-4, 6-4 से जीता सेट। बॉक्सिंग में भी भारत का शानदार खेल, 75 किलो कैटेगरी में विकास ने क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। ओलंपिक पुरुष हॉकी में कनाडा ने भारत को ड्रॉ पर रोका, 2-2 से ड्रॉ रहा मैच। ओलंपिक तीरंदाजी में भारत का अभियान खत्म, प्री क्वार्टर फाइनल में हारे अतादु दास। बैडमिंटन में भी महिला डबल्स में भी पदक की उम्मीद खत्म, नीदरलैंड की खिलाड़ी से हारी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी। 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट के फाइनल में नहीं पहुंच सके गगन नारंग, 13वें नंबर पर रहे जयंत सिंह ने हासिल किया 36वां स्थान। महिला गोला फेंक में मनप्रीत कौर की चुनौती खत्म, 23वें स्थान पर रही, अपना नेशनल बेस्ट भी नहीं दे पाई मनप्रीत। पुरुष 800 मीटर दौड़ में जिनसन जॉनसन मेडल की दौड़ से बाहर, क्वालिफाइंग राउंड में 25वें नंबर पर आए। मेसी ने किया ऐलान, अर्जेंटीना की टीम में करेंगे वापसी, इसी साल लिया था रिटायरमेंट। तीसरे टेस्ट में जीत की ओर बड़ी टीम इंडिया, चौथे दिन तक वेस्टइंडीज पर 285 रनों की बढ़त बनाई। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर बनाए 157 रन, शिखर 26 और कोहली 4 रन बनाकर आउट। रानी ने दूसरी पारी में जड़ा 8.51 रन बनाकर क्रीज पर डटे, रोहित शर्मा 41 के स्कोर पर डटे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में रैना, युवराज, पांड्या, हरभजन की छुट्टी, राहुल, अमित मिश्रा, स्टुअर्ट बेनी की वापसी है। यूएस में होंगे वेस्टइंडीज के साथ टी20 मुकाबले, महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया की कमान। अमीरात में बोइंग 777 के क्रैश का नया वीडियो जारी, वीडियो में दहशत में दिख रहे हैं यात्री। चीन में 20 साल की मेहनत के बाद आर्टिस्ट ने दिखाई शानदार कलाकारी,
किले के पत्थरों में उकेरी तस्वीरें। अपने बयान को ट्रंप ने ठहराया जायज, कहा वेंग में नहीं कहा ओबामा को आईएस का फाउंडर। अमेरिका के लुसियाना में बाढ़ का कहर, एक की मौत। पुर्तगाल में जंगल में लगी आग के बीच की ओर लौटते सैलानी, 200 जंगलों में आग बुझाने का काम जारी है।